इस महाविद्यालय के अंतर्गत हर साल होने वाली एडवेंचर एक्टिविटी इसका एक भाग रिवर क्रॉसिंग, ये रिवर क्रॉसिंग जो है कई साल पुराने अगर हम देखते हैं तो ये हमारा इतिहास बताता है कि जब भी दो गांव के बीच में कहीं नदी अगर पार करना है उस वक्त बारिश आने के पहले ही वहाँ पर दो बुरुज बनाए जाते थे और बुरुज के माध्यम से लोगों का आवागमन किया जाता था। समय बदलता गया, बड़े बड़े ब्रिज बनते गए और लोगों का आवागमन बहुत सरल तरीके से हुआ, लेकिन इसी पहली को शुरुआत और अंत तक चलने के लिए एक नई चीज़ सामने आई जिसको एक एडवेंचर एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दिया गया या रिवर क्रॉसिंग कहते हैं। इस एक्टिविटी का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि खाली रोप के माध्यम से और गार्ड के माध्यम से हमने कैसे उस बाधाओं को पार करना। इस एक्टिविटी में हम हार्नेस लगाते हैं और हार्नेस लगाने के बाद में कैराबिना और पुली ब्लॉक के माध्यम से हम लोग इसको क्रॉस करते हैं। क्रॉस करते वक्त जो थ्रिल है या जो एक्शन है वो इतना सगुन होता है जिसकी कल्पना जितनी करें उतनी कम है, क्योंकि जैसे ही फोर्स मिलता है हम लोग क्रॉस करते हैं तब एक नया उत्साह दिल में तैयार हो जाता है। शुरुआत में तो थोड़ी अच्छी लगती है क्योंकि एक इतना रास्ता जो तय करना है थोड़ा डर भी रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हैंड बाय हैंड क्लाइंब करते आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वाटर टेबल जब हमें टच करते जाता है तब कहीं ना कहीं ये दिल में एक डर सा रहता है कि कहीं इस पानी में हम डूब ना जाए। बट एक सरल और सादा जो तरीका इनको पढ़ाया है उसके माध्यम से ये क्लाइंब करते जा रहे और धीरे धीरे करते हुए उस बाधा को पूरा पार कर रहे हैं। देखने में उतना जितना रोमांचक है उतना करने में उससे ज़्यादा रोमांचक है, क्योंकि ये जो सारे तरीके या ये सारे जो एक्टिविटीज है ये हम लोग हमारे फायर इंजीनियर्स को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि भविष्य में जब कभी भी कोई भी बाधा में अगर फंसे या कोई बाधा में फंसा होगा तो उसको हमने कैसे बचाना है और उससे कैसे उसको बचा के बाहर निकालना है, इसलिए एकेडमी में हम लोग पढ़ाते हैं। ये सारे जो बच्चे आए हुए हैं ये 150 बच्चों में इनका फिजिकल टेस्ट लिया गया है जिसमें जो भी फिजिकल पास हुए उसमें सिर्फ 40 बच्चों को हमने लाया यहाँ पे और 40 बच्चों ने अपने आप में ये एक्टिविटी पूरी पार की है। एक्टिविटी के दौरान थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन तकलीफ देना हमारा मकसद नहीं होता है, उस तकलीफ से कुछ एक अच्छी चीज़ बाहर निकले ये हमारा सबसे मकसद होता है। इसी एक्टिविटी का एक भाग जो है यह है चेयर नॉट के माध्यम से, जहां आपके पास हार्नेस नहीं है या कोई इक्विपमेंट नहीं है उस वक्त चेयर नॉट लगा के हमने कैसे उसको क्रॉस करना है, ये एक और एक तरीका। इस चेयर नॉट में आदमी पूरा पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन यहां पे दो चीज़ बड़ी मजबूत होती है, एक होता है आपके पास में ताकत और दिल में कितना हौसला, कितने आसान तरीके से उसको पार करते हैं। धीरे धीरे करते हुए चेयर नॉट के माध्यम से रिवर क्रॉसिंग का एक और एक नमूना, अधिकतर जगह देखा जाता है कि हमारे पास सामान की उपलब्धि न होने से कहीं ना कहीं मुश्किल होती है, लेकिन इसी ट्रेनिंग में एक नॉट्स ऑन लाइन ये एक सब्जेक्ट होता है जिसमें रस्से के द्वारा अलग अलग गांठ कैसे बांधी जाती है और वो गांठ के माध्यम से हमने कभी आफत में अगर कहीं फंसे उस वक्त कैसे बचाव कार्यों को अंजाम देना है, ये भी चीज़ उसमें सिखाया जाता है, जिसका एक बहुत अच्छा नमूना। क्योंकि गाँव कस्बे में तो आपके पास सामान या और कोई सर्विसेज आपके पास पहुँच नहीं पाती है, ऐसे वक्त अगर कोई प्रशिक्षित अगर व्यक्ति वहाँ पे हो और उसको इसके बारे में जानकारी है तो शायद एक अच्छा बचाव कार्य को अंजाम दे सकते हैं। अभी देखिए कि कितने आसान तरीके से आदमी उस बाधा को पार कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी बॉडी का मूवमेंट नहीं आ रहा है और धीरे धीरे करते हुए उसको क्रॉस किया जा रहा है। इसमें चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला हो या लड़कियाँ हो, कोई भी उसको